विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का एग्जाम्पल है क्यूबिक इक्वेशन है सॉल्व। क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 28 माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस 28 इज इक्वल्स टू 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेंगे। तो गिवन क्या है, क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 28 माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। तो हम इधर फर्स्ट वन क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 28 ये जो है इसे हम ये समझ लेंगे। तो क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस 28 अगर बी समझ लिया तो ए माइनस बी इज इक्वल टू बनेगा। तो एक ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2, फर्स्ट इक्वेशन समझ लीजिए। ये इक्वल्स क्यूब रूट एक्स प्लस 28, यहां अगर बना तो बी क्या बन रहे, क्यूब रूट एक्स माइनस 28। तो यहां दोनों तरफ अगर क्यूब किया तो ई क्यूब दिस इक्वल्स क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 28 होल क्यूब। तो ए क्यूब इक्वल्स एक क्यूब रूट गया, क्यूब गया, तो एक ई क्यूब का वैल्यू एक्स प्लस 28 रहेगा। ठीक इसी तरह बी का, अगर बी क्यूब इधर क्यूबिंग किया दोनों साइड तो क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस 28 होल क्यूब। तो ए क्यूब गया, ए क्यूब रूट गया, तो बी क्यूब इक्वल्स क्या आता है एक्स माइनस 28। ए क्यूब का वैल्यू एक्स प्लस 28 मिला पे और बी क्यूब का वैल्यू एक्स माइनस 28 मिला। तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये क्या बनते हैं एक्स प्लस 28 माइनस टाइम्स बी क्यूब मीन्स एक्स माइनस 28। तो दिस इक्वल्स एक्स प्लस 28 माइनस एक्स प्लस 28। तो यहाँ पर माइनस एक्स प्लस एक्स निकल जाएगा, तो 28 प्लस 28 मीन्स 56 हो जाएगा, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब मीन्स 56। ये हम दूसरा इक्वेशन समझ लेंगे इसको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स 56। ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमें मिला, तभी हम क्या करेंगे, ये माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ले लो इसका जो फॉर्मूला है क्या है, ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमें मिला है वैल्यू 56 यहाँ रख दो। ए माइनस बी भी हमारे पास है, ए माइनस बी इज टू टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या जिस रख दो इधर। तो यहाँ दोनों तरफ अगर 2 से अगर डिवाइड किया तो ये 2 चले जाएगा, तो यहाँ पर 28 बनेगा। दिस इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस सब बी स्क्वायर, इसका वैल्यू 28 बन रहा है। तो ये एक नोट डाउन कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 28। ये थर्ड, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, इसका फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी टाइम्स ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ए माइनस बी वैल्यू हमें पता है 2 है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमें पता है 56 है, ए माइनस बी पता है 2 है। तो हम यहाँ पर इसका वैल्यू निकालेंगे, ए बी का हमें इसका वैल्यू चाहिए। तो ए माइनस बी क्या होता है 56
ए माइनस बी 56 नहीं, ए माइनस बी मीन्स टू, टू होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब मीन्स यहाँ पर ए 56 है, 56 तो ये 56 हो गया माइनस थ्री टाइम्स ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी मीन्स टू, तो टू क्यूब मीन्स एट इक्वल्स 56 माइनस थ्री इंटू टू सिक्स, सिक्स टाइम्स ए इंटू बी, तो ये 56 ए साइड में लाइए तो एट माइनस 56 ए साइड में लाइए तो नेगेटिव 56 दिस इक्वल्स नेगेटिव सिक्स टाइम्स ए इंटू बी, तो एट माइनस 56 मीन्स नेगेटिव 48 दिस इक्वल्स माइनस सिक्स इंटू ए बी, तो अगर दोनों तरफ अगर नेगेटिव सिक्स से अगर डिवाइड किया तो ये चले जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव जाएगा तो ये भी इक्वल्स सिक्स वन जार सिक्स, सिक्स एट जार, यानी ए बी का वैल्यू हमें मिला एट। यहाँ पर ये नोट डाउन कर लेंगे ए इंटू बी इज इक्वल्स टू एट, ये इक्वेशन नंबर फोर, ठीक है। ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसका पी स्क्वायर चाहिए तो ए माइनस बी होल स्क्वायर इसका फॉर्मूला क्या है, थे ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ए इंटू बी, ओके। तो ए माइनस बी मीन्स टू, टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू हमें निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ए इंटू बी मीन्स एट, ए टू टू जर फोर दिस इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। तो ए 16 माइनस 16 ए साइड में लाइए तो 4 प्लस 16 हो जाएगा दिस इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देयरफॉर 20 इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू हमें मिला 20, तो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20, ए फिफ्थ हो गया, ठीक है। तो निकाल दीजिए अभी ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए इंटू बी, हमें निकालना है ए प्लस बी होल स्क्वायर दिस इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमें मिला है ये 20, 20 प्लस 2 इंटू ए बी मीन्स 8, दिस इक्वल्स 20 प्लस 2 एट जार 16 दिस इक्वल्स 36, यानी 36 ए प्लस बी होल स्क्वायर का वैल्यू है। तो हम इसे अगर स्क्वायर रूट लगाया दोनों तरफ, दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लगाया तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट दोनों चले जाएगा तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू प्लस आर माइनस ए 6 बनेगा, ये हमें ए प्लस बी का वैल्यू मिला, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू प्लस आर माइनस 6, ठीक है। तो हमें ए प्लस बी का वैल्यू 2 मिला, ए प्लस बी इज इक्वल टू 6 और दोरेक ए माइनस बी इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो हम पहले ए प्लस बी इक्वल 6 रख के हम ए का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 6, ठीक है। ए माइनस बी क्या है, 2 है, तो दोनों ऐड कर दो तो ये चले जाएगा 2 ए इक्वल्स 8, देयरफॉर ए इक्वल्स 8 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 4, ए का वैल्यू 4 हो गया। अगर हम ए प्लस बी इक्वल 6 रखा तो ठीक, इसी तरह अगर ए माइनस बी सॉरी ए माइनस बी नहीं ए प्लस बी इक्वल्स नेगेटिव 6 रखने का इधर, ए प्लस बी इक्वल्स नेगेटिव 6, अगर ए प्लस बी इक्वल्स नेगेटिव 6 रखा हम तो ए माइनस बी एज यूजुअल इक्वल को ए माइनस बी इज 2, तो ऐड किया दोनों तो ए बी माइनस बी चले जाएगा, टू ए इक्वल्स
minus 4. Therefore, A equals minus 4 divided by 2 means minus 2. यानी A का वैल्यू नेगेटिव 2 आ रहा है यहाँ पर. ये A प्लस बी 6 अगर रखा तो A का वैल्यू 4 आ रहा है. A प्लस बी इज नेगेटिव 6 रखा तो A का वैल्यू 2 आ रहा है. तो अगर A का वैल्यू 4 आने के बाद B का वैल्यू क्या जाएगा यहाँ पर निकालेंगे. अगर A का वैल्यू 4 है तो B का वैल्यू तो आसान से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इफ A इज 4 देन A प्लस बी इक्वल 6. A इज 4 मीन्स 4 प्लस 6 इक्वल 6. A प्लस बी ए बी ठीक है. तो B इक्वल्स 6 माइनस 4 मीन्स B इक्वल्स पॉजिटिव 2. अगर A का वैल्यू 4 है तो B का वैल्यू 2 रहेगा. A का वैल्यू 4 है तो B क्या रहेगा 2 रहेगा. ठीक इसी तरह अगर A का वैल्यू इफ A इज क्या है नेगेटिव 2 B अगर वैल्यू चाहिए A प्लस बी इज नेगेटिव 6 है तो A का वैल्यू नेगेटिव 2 प्लस बी इक्वल्स नेगेटिव 6. तो B इक्वल्स नेगेटिव 6 पॉजिटिव 2 तो B इक्वल्स नेगेटिव 4. अगर A का वैल्यू माइनस 2 है तो B का वैल्यू क्या आ रहा है माइनस 4. इसका मतलब A इज अगर 4 रहा तो B का वैल्यू 2 आ रहा है. ये अगर माइनस 2 रहा तो बी इक्वल माइनस 4 रहेगा. ठीक है ये हमने ये और बी का वैल्यू निकाला. तो ये और बी से हम अभी एक्स का वैल्यू हम निकाल सकते हैं. समझ लीजिए ये इक्वल्स अभी हम पकड़ लिए तो 4 का वैल्यू है. तो ए क्यूब क्या है ए क्यूब इक्वल्स एक्स प्लस 28. ए क्यूब मीन्स ए मीन्स अगर 4 रहा तो 4 क्यूब इक्वल्स एक्स प्लस 28. 4 क्यूब मीन्स 64 इक्वल्स एक्स प्लस 28. तो ये 28 ए साइड में लाइए लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव 28 बनेगा तो एक्स दे फोर एक्स इक्वल्स 36 बनेगा. अगर ए का वैल्यू 4 पकड़ा तो एक्स इक्वल्स 36 बन रहे पॉजिटिव 36 इफ ए इज 4 ठीक है. अगर इफ ए इज नेगेटिव 2 रहे तो क्या आता है देखेंगे. इफ ए इक्वल्स नेगेटिव 2 देन ए क्यूब इक्वल्स एक्स प्लस 28 क्यूब मीन्स माइनस 2 होल क्यूब एक्स प्लस 28 माइनस 2 मीन्स माइनस 8 एक्स प्लस 28 देयरफॉर एक्स इक्वल्स माइनस 8 माइनस 28. ये साइड में लाया 20 माइनस भी 28 हो जाएगा तो एक्स इक्वल्स नेगेटिव 36. तो अगर ए का वैल्यू 4 रहा पॉजिटिव 4 रहा तो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव 36 आ रहा है. अगर ए का वैल्यू नेगेटिव 2 रहा तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है नेगेटिव 36 आ रहा है. इसका मतलब एक्स का वैल्यू हमें प्लस आर माइनस 36 में मिल रहा है. ठीक है ठीक इसी तरह अगर बी का वैल्यू हम चेक किया तो भी यही मिलेगा लेकिन हम फिलहाल चेक करेंगे बी का वैल्यू भी. तो समझ लीजिए बी का वैल्यू 2 रखे देखेंगे. इफ B इक्वल्स 2 पॉजिटिव 2 देन बी क्यूब क्या है ये देखिए बी क्यूब इक्वल्स एक्स माइनस 28. तो 2 क्यूब बी मीन्स 2 क्यूब इक्वल्स एक्स माइनस 28 8 इक्वल्स एक्स माइनस 28 देयरफॉर एक्स इक्वल्स 8 प्लस 28 इक्वल्स 36. यानी एक्स का वैल्यू 36 पॉजिटिव 36 यानी बी का वैल्यू 2 अगर रहा तो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव 36 आ रहा है. बी अगर 2 रहा
देन एक्स इक्वल्स पॉजिटिव 36। ठीक है, तो ठीक इसी तरह बी का वैल्यू अगर -4 रहा तो देन वो क्या होता है देखेंगे, बी क्यू इक्वल्स एक्स -28 इक्वल है -4 होल क्यूब इक्वल्स एक्स -28। -4 होल क्यूब मीन्स -64, -64 इक्वल्स एक्स -28। -64 ये -28 ये साइड में लगे राइट साइड और लेफ्ट साइड में, तो +28 बनेगा, दिस इक्वल्स एक्स, देयरफॉर एक्स इक्वल्स -36। ठीक है, अगर बी का वैल्यू -4 रहा तो देन एक्स इक्वल्स -36। तो यही होगा, किधर का प्लस आर माइनस, ये देखिए एक्स इक्वल्स 36, एक्स इक्वल्स -36, तो हमारा एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, प्लस आर माइनस 36, ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, आप ये पकड़ लीजिए, ये पकड़ लीजिए, कौन से भी पकड़ लीजिए, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव 36 ही आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।